झाड़ू से कोई यूकेलिप्टस पत्तों से बुझाया लगे, लेकिन उसमें आग में काबू नहीं पाए। हमारे गांव के जितने लोग थे जहां आग जलते देखा वहीं जुट गए आग बुझाने में, जिससे बाहरी मशक्कत से हमारा गांव बचा, नहीं खेत तो खेत गांव भी जल जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव कनेक्शन। मैं हूं सुमित कुमार। मैं इस समय मौजूद हूं उन्नाव जनपद की सदर तहसील के अंतर्गत भिखना गांव में। इस गांव में अचानक आग लग जाती है और उस आग से गांव के लगभग 150 बीघे की फसल जलकर राख हो जाती है। उस 150 बीघे में गांव की लोगों ने बताया है कि लगभग 20 ऐसे किसान हैं जिनकी गेहूं की फसल जली है। उनमें से बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास खाने के लिए भी एक दाना नहीं बचा है। आग लगी थी सुबह 9 बजे लगभग, बहुत दूर पीछे वहाँ जंगल में। वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने बताया कि आग लगी है, लेकिन गंधा नाला करीब जो है 500 मीटर चौड़ाई से बहता है, जिससे ये संदेह नहीं था कि आग हमारे लोगों खेतों में आ जाएगी। तो हम लोग खेतों में काम करने के बाद दोपहर में खाना खाने घर गए और खाना खा ही नहीं पाए। हम ऐसे पानी रखा था खाना खाने के लिए और पानी वहीं का वहीं रखा रह गया। हम खेत में आए देखने कि स्थिति क्या है तो खेत ही जल रहा था। अरे हरहा गोरू पाले, कुछ गेहूँ हो जाए तो कुछ हरहा और कौन आमदनी। वह कहती बाढ़ आ गए, वही में सब नासी होगा सब सामान। अरे चारा वारा बवा गो वह चला गया, वही हरा गोरुन से कैसे काम चला और ना कोई बाहर के आमदनी ना कुछ नहीं। उसी से आपने फसल तैयार की थी? बेकार जैसे फसल तैयार ही हम नहीं करती हैं तेईस समस्या पर रहती। जो तैयार कई के कैसो तो ये इतना साल पारो साल हुआ है बदगति भैया सब वो भाई। क्या पिछले साल भी आपके गेहूँ जल गए थे? पिछले साल नहीं जल पाए रहे, कम नुकसान न भरा तो खो क्या थोड़ा थोड़ा नुकसान हो ही गया रहे। इतना जय शक्ति भवा तेईस नहीं भर नुकसान। जब वन विभाग हमारे गांव में लगाया गया तब से आज तक के जो वर्तमान वन विभाग के कर्मचारी जब से ये आए तब से प्रतिवर्ष वन विभाग में आग लगा दी जाती है। और तो वन विभाग से आ करके आग हमारे लोगों के खेतों में आ गई और तब हमारे लोगों के खेत जले। यही घटना 2 साल पहले हुई थी, तब हमारे किसानों के खेतों के अनाज घर पहुँच चुका था तो बची हुई फसल को जला बुझा करके हम लोगों ने अपना गांव बचा लिया था। अब की बार हम लोग अपनी फसल बचाने के चक्कर में केवल गांव बचा पाए, फसल सब जल गई उन खेतों की। तो जब आग लगी थी तो क्या प्रयास किया आपने आग बुझाने के लिए, क्या कोशिशें करी? फायर ब्रिगेड को आपने सूचना दी कैसे, क्या फायर ब्रिगेड को सूचना दी और उसके बाद हम लोगों ने इंजन चलाकर जो व्यवस्था थी इंजन चलाकर कोई झाड़ू से कोई यूकेलिप्टस पत्तों से बुझाया लगे, लेकिन उसमें आग में काबू नहीं पाए। फायर ब्रिगेड को भी फोन किया लेकिन आई तो, लेकिन समय पर नहीं आ पाई। कितनी देर बाद आई थी आप? लगभग 1 घंटे बाद आई। कहाँ से आती है फायर ब्रिगेड? उन्नाव से। तो उन्नाव आपके यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? 35 किलोमीटर दूर है। ज़्यादातर अग्नि दुर्घटना 15 से 20 किलोमीटर दूर की होती है और सड़कें खराब हैं। फायर सर्विस के पास जो गाड़ियाँ हैं वो बड़ी बड़ी हैं, तो वो खेत खलिहान में जो डांड होता है, नहर होती है, उसको पार नहीं कर पाती हैं। रास्ते हैं वहाँ के, हाँ रास्ते सुगम नहीं हैं, तो सुगम नहीं है तो वहीं तक गाड़ी जाती है जहाँ तक रास्ता चले, गाड़ी पलटे ना, फंसे ना, इस बात का भी खतरा होता है। दूसरी जगह भी आग बुझानी होती है। यदि वही हमारी गांव में पहले चक्रोट होता था या रास्ता होता था बेहतर हो जहाँ पर गाड़ी सरलता से जा सकती है, तो आग को हम जल्दी बुझा सकते हैं या उसके नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं। प्रशासन ने, लेखपाल आए थे, SDM साहब आए थे और पुलिसकर्मी भी आए थे, लेकिन वो लोग देखकर और लेखपाल लिखकर आख्या लगा दी है, अब देखो क्या होता है। अच्छा, तो आप लोगों ने लेखपाल ने क्या बताया है? लेखपाल ने बताया है कि SDM साहब को दे दिया है कागज और SDM साहब बोल रहे थे कि ऑनलाइन अपना अपना करवा दो, जितना जला है तो उसी का मंडी समिति से मिलेगा जो मिलेगा। पहले भी आपके गाँव में कभी आग लगी? हाँ, पर साल लगी थी। पर साल आग में जो नुकसान हुआ था क्या उसके लिए कोई मुआवजा मिला है? कुछ नहीं मिला, पिछले बार भी लेखपाल आए थे, आकलन करके ले गए। हाँ, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला। आग लगने को रोक तो नहीं सकते हैं लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं, न्यूनीकरण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम आपको बताएं कि यदि हमारे घर में चूल्हा पे खाना बनता है तो चूल्हा की आग को आदमी बिना बुझाए घूर पे फेंकता है और घूर पे यदि हवा चलती है और वो जो बुझी हुई आग है वो धीरे 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 हवा की वजह से धधक के और वहाँ भी जो खर पतवार होता है उसमें लगती है और उसकी चिंगारी जो उड़ती है वो आसपास के खेतों में लग जाती है। यदि जैसे झधकी
वहाँ गांव का कोई भी आदमी उधर से गुजर रहा है और एक बाल्टी पानी डाल दे, एक लोटा पानी डाल दे, तो वो आग बुझ जाती है। लेकिन जब वो खेत में लग जाती है, खलिहान में लग जाती है, झोपड़ी में लग जाती है, तो फिर बिना फायर सर्विस का उसको बुझाया जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम इसी तरीके से खेत का है। जो लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो बीड़ी सिगरेट को यदि बुझा के फेंकते हैं तो आग लगने की संभावना कम हो जाएगी।